अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा, कौम का जेन बदलता है। हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती। इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहां कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, उतने मुतासर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, कोई बददियानतदारी नहीं करते थे अपने लोगों से, लोग रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे, इसलिए लोग उनको मुतासर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस जमीन को क्या क्या नेमतें बख्शी हैं।